हम गर्ल्स के साथ ना कभी कभार ऐसे वकियात हो जाते हैं ना दैट शेक्स अस फ्रॉम द कोर्स ऑफ आवर हार्ट्स, पर हमें लगता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी हम बहुत बेबस हैं। ये बाकी है सर्दियों की एक शाम का, जब मुझे नायरे 3 दिन हो गए थे, मैं पैटी भी पढ़ी थी अपने परचों के लिए। अम्मी आई, बोली बेटा जरा ड्राइंग रूम आओ ना। और वो जानिए कि रवायती टोन नहीं होती जिसमें एक सस्पेंस का एलिमेंट्स होता है थोड़ा, अम्मी की वो वाली टोन थी। मैंने कहा हुआ क्या, ये करने क्या लगी है मेरे साथ ड्राइंग रूम में। मैंने पकड़ा अपना दुपट्टा, सेट किया, आवाजें बजा रही थी ड्राइंग रूम में से मेहमानों की। अम्मी के पीछे पीछे मैं भी ड्राइंग रूम के अंदर एंटर होगी तो आगे तो माहौल बना, वैसे जिरगा नहीं बैठा हुआ था पूरा। ड्राइंग रूम के अंदर बैठे थे मेरे को दूर पार के रिश्तेदार, दो दो अंकल आंटियां, अपने एक एक जवान बेटे समेत, साथ मेरी एक खाला, साथ अम्मी अब्बू। पहले मुझे देख के सारे खामोश हुए, फिर मुझसे एक आंटी अपने चेहरे पे एक बड़ी सी स्मेल लेकर आई और उन्होंने बोला आओ बेटे शुमाइला कैसी हो, आओ आके बैठो। मैं भी तमीज से आके उन्हीं की साइड बैठ गई। नजरें उठा के मैंने जरा अक्सर माहौल देखा अपने इर्द गिर्द का, सराउंडिंग्स अपनी चेक की मैंने, कुछ था उधर को टेंशन थी। सलाम दो रवायती यूनिवर्सिटी का सवाल करने के बाद तमाम बुजुर्गों ने खामोशी ठान ली, एक दूसरे को मुड़ के देखा उन आंखों से जिनके अंदर ये था कि अब आप बात शुरू करेगा कौन। बात शुरू की थी मेरी खाला ने, उन्होंने बोला शुमाइला ये क्या माजरा है, सुना है कि तुम्हारी बड़ी कोई बॉयज वगैरह के साथ फ्रेंडशिप्स हो रही है यूनिवर्सिटीज के अंदर। सामने बैठे वो मेरे दो दूर पार के रिश्तेदार अपने दो जवान बेटों के साथ, एक उनकी जवान बेटी जो कि मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर जाती है। मुझे कुछ मुंह का मैल समझ नहीं आ रहा था इस सवाल का। मेरे दिल ने बोला है मगर ये जवाब मैं खोल के दे तो नहीं सकती थी, तो मैंने बोला कि खाला आप क्या कह रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आई आपकी बात की। और फिर उस कंफ्यूजिंग माहौल की बात खुली, वो जिरगा बैठा क्यों था, वो टेंशन मची भी क्यों थी, वो स्टोरी मुझे एक्सप्लेन की गई। उन दो जवान लड़कों में से एक लड़के से आप कुछ मुझसे होगी थी मोहब्बत, उसने उस दूसरे जवान लड़के को जो उसका फर्स्ट कजन था उसने बोला कि मैं तो शुमाइला का रिश्ता भिजवाऊंगा। उस दूसरे जवान कजन को भी मैं किसी पसंद थी, उसने पहले वाले को डिस्करेज करने के लिए बोला कि शुमाइला तो बहुत लॉफर है, उसकी तो पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर फ्रेंडशिप्स है। पहले वाले ने नाकाम मर्दानगी का सबूत देते हुए दूसरे वाले से पूछा कि तुम्हारी जरूरत तुम शुमाइला के बारे में बात करके आ सकते हो, दूसरे वाले ने बोला मेरी बहन भी उस यूनिवर्सिटी में जाती है, उसने मुझे बोला। उसके बाद पहले वाला मेरी खाला के पास पहुंच गया क्योंकि वो दोनों एक ही शहर के अंदर रहते थे, उन्होंने जाके बोला कि मैंने आपकी भांजी शुमाइला के बारे में सुना कि वो बहुत लॉफर है, बॉय से ताल्लुकात है उसके। मेरी खाला ने बोला कि तुम शुमाइला के बारे में ये बात क्यों कर रहे हो, उसने मुझे बोला कि मुझे दूसरे वाले लड़के ने जो कि मेरा फर्स्ट कजन है उसने और उसकी बहन ने बताया क्योंकि वो उसी यूनिवर्सिटी में जाती है। मेरी खाला ने अपनी पाकिस्तान की हर डिटेक्टिव औरत की तरह चादर ओढ़ी, उस घर पहुंची, उन्होंने बोला कि जी आपके बेटा बेटी ने शुमाइला के बारे में बातें क्यों की है, मुझे बताएं किस बॉय से फ्रेंडशिप है उसकी। उन आंटी ने आगे से अपने बेटा बेटी की सफाई देने के बजाय मेरी खाला को बोला कि तुम्हें पता नहीं है कि उस घर वालों ने जो शुमाइला का रिश्ता भिजवाया है, तुम्हारी बहन ने तुम्हें बताया नहीं है। सर्दियों की शामों के अंदर मेरी खाला की ईगोज होगी हार्ट, उन्होंने पकड़ी चादर मेरे घर पहुंची और आगे मेरी अम्मी को बोला तुझे शुमाइला का रिश्ता की था कि मैंने दस्या भी नहीं। मेरी माँ ने बोला क्या रिश्ता। मेरी खाला ने मेरी अम्मी को आगे से पूरी कहानी डाल दी, उन्होंने बोला कि फला लड़का मेरे पास आया, उसने मुझे बताया कि फला लड़के और फला लड़की ने शुमाइला के करेक्टर्स के बारे में ये बातें की हैं। मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरे अबू उधर मौजूद थे, मेरे अबू ने दोनों खानदानों को फोन लगाया, उन्होंने बोला बिस्मिल्लाह करो तो रात की रोटी 4:30 खाओ। वो दोनों खानदान अपने जवान बेटे और सेकेंड फैमिली अपनी जवान बेटी जो मेरी यूनिवर्सिटी जाती थी उनको ले गए हमारे घर रोटी खाने पहुंचे और मुझे बुलाया गया ड्राइंग रूम। अब मुझे दूसरा लड़का था ना, उसकी बहन ने एक दफा मुझे अपने भाई का कार्ड ला के दिया था और वो कार्ड मैंने फाड़ के उसको वापस किया था। मैंने कहा था आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ गर्ल्स, ओके। हर पाकिस्तानी लड़की की तरह मैंने ये बात अपनी माँ को नहीं बताई थी क्योंकि मुझे पता था कि मैंने माँ को बात बताई तो मेरे मुंह पे दो जूतियां पड़ेंगी, मेरी यूनिवर्सिटी बंद होगी। मैंने बोला शुमाइला तुम्हारा वक्त आ गया, नाउ इज द टाइम टू स्पीक अप। मैं अंकल की तरफ मुड़ी, मैंने बोला आपके बेटे ने मुझे आपकी बेटी के हाथ कार्ड भिजवाया था जो मैंने फाड़ के वापस किया था, आस्क हिम। ये सुन के तो वो लड़का आ गया नीला पीला। मेरे अबू मुड़े उसकी तरह, उनको बोला कि तुम्हारा मेरी बेटी से वही रिश्ता जो मेरा तुम्हारी माँ से रिश्ता है सेकंड कजन्स का, मैं उसको कार्ड भिजवाऊं तुम्हें कैसा लगेगा। उसके बाद उसके अबू ने उसको फेरा चांटा। मेरे दिल में पड़ी ठंड, मामला रफा दफा हुआ एंड दे लेफ्ट। मारा था द स्टोरी ये, हम गर्ल्स अगर बेकसूर भी हो तो हमारे जो लवर बॉयज होते हैं ना वो हमारे पीठ पीछे मुकदमा चला के कंप्लेंट दर्ज करके खुद ही फैसला भी सुना देते हैं। मगर हकीकत की बात बताऊं, उन दिनों मैं कोई इतना पथैट हुई ना कि मैंने बोला मेरा जो भी काम का पहला रिश्ता है ना मैं बस शादी करके जा रही हूं, मैं आज आ गई हूं बॉयज से और उनकी हरकतों से। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग,
मुझे पता था आप लोगों ने मुझे बहुत मिस किया होगा, मैं हूँ ही इतनी एंटरटेनिंग शुमाइला बच्ची। जब से मैं भी जवान हुई, ये कोई आज से 3 हफ्ते पहले की बात है ना, ये एक लड़का है फरहान, अच्छा भला मैंने जिंदगी से बुलाया हुआ था। 6 साल की बात है, मेरी एक दोस्त थी अंदरून की, तो मैं जब छोटी थी ना तो अम्मी अबुआ ने मुझे 7th क्लास में ना एक नए स्कूल के अंदर डाला। तो एक तो हम पाकिस्तानी गर्ल्स की जिंदगी का बहुत बड़ा मसला ये है ना कि अम्मियों के जमाने की आंटियां टीवी ड्रामों की प्रोड्यूसर बन गई हैं। उससे आई हूँ ना तो मैं यही सोच रही हूँ कि मुझे रोजाना इतनी गर्मी क्यों लगती है। मैं जब आई ये ना उस दिन किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर गई हूँ ना, तो वहाँ ये मेरा भी पिछला हफ्ता इतना कोई जहर गुजरा है ना, कन्फर्म पता ना मुझे अपने खानदान की औरतों की नजर आई गई। मैं ना बहुत अपसेट हूँ, आज ना मेरी क्लास में एक इतना प्यारा लड़का था तो ना बिल्कुल जैसे फवाद खान आता है ना, तो आगे से ना आंखें गोल गोल करके अपनी बात घुमा, फिर आगे तो मुझसे ना फिर आगे से बड़े तरीके से पूछते, सो स्वीट हार्ट व्हाट आर यू डूइंग फॉर टुनाइट। याद आया कि मेरी क्लास में एक अफ्रीकी लड़का पढ़ता है, उसका नाम है अमी जान। इतनी मुश्किल से पर मैंने ऑनलाइन अपने लिए खवातीन का जस्ट करवाया, उसका अंदर ना इस्तखारे वाला बाबा जी है ना, इस्तखारा करके देते तो उनसे इस्तखारा करवाया। फिर एक्सक्यूज मी, मैं आप चले दी तार, मैं नहीं खांगी पापड़। आपको बिस्तर में लेटी थी, मैं सोच ही रही थी कि मैं एनी लव मैरिज करती रहती हूँ, ढंग का लड़का मुझे कोई मिलता नहीं है, लड़का अच्छा भी था, मेरी उससे बातचीत भी अच्छी चल रही थी, एनी मेरे हाथों से निकलने दी। अब पता होता है जिस तरीके से आपको बॉयज देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि वो आप में इंटरेस्ट आएंगे नहीं है, तो ये मुझे बहुत इंटरेस्ट था, मुझे आइडिया था इसके, आपको पता चल जाता था। मैंने कहा उसको देख के तो स्माइल करती थी, तो अगर वो मुड़ के देखे तो मैं ना मेहमानों को यूं कर लिया करती थी। हमारे ना गाँव में तो आप बहुत अच्छी खासी किस्म की भैंसें हुआ करती थी, हमारा दूध भी आया करता था, और तो मेरे पास कोई जानवर नहीं था तो मैंने लिख दिया माय पेट इज ब्लैक काउ। उन्होंने मैंने गौर किया तो मेरी क्लास में एक लड़का था मलक बलाल, गुजरा मालिक नहीं सियासतदानों वगैरह के लड़का था ना कोई, तो वो मुझे देख के भागता नहीं था। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस तरह के जो लड़के होते हैं शोधे बनते हैं, शोधे बना बना के अपना एक्सेंट बातें करते हैं, ये होते ही ना फजूल है, इनको घास में डाला करो लड़कियों। पर 2-2 मीटर के शिफॉन के दुपट्टे पहन के जाती हूँ, इनकी वजह से ना ये बहुत हीट अब्सॉर्ब करते हैं। फिर मैंने ये नोटिस किया कि मैं जब भी खड़ी होकर रिक्शे का इंतजार कर रही हूँ मुझे पिक करने के, यार तो वो जरूर अपनी प्राडो निकाल के वो बीच में गाने लगा के मेरे सामने से गुजरे। फिर मुझे पता चला कि उन हजरत ने लड़कों को बोला कि शुमाइला जो है वो तुम लोगों की पाबी है, और अगर तुम लोगों ने उसे किसी ने भी जगह से बात की तो मैं तुम लोगों की टांगे तोड़ दूंगा। My love story, be proud of the who you are, because if you do not proud who you are, then nobody else will proud who you are. We first proud ourselves, okay? करते करते हुआ ये कि हम दोनों की जरा कुछ ज्यादा बातचीत स्टार्ट होगी, हम जरा दूसरे को ज्यादा फारक टाइम फोन कर लेते, गुड मॉर्निंग गुड नाइट हाउ आर यू मिस यू हमारा स्टार्ट हो गया। मैंने बोला जी मुझे आगे से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी बोले, कहते आज आप बड़ी प्यारी लग रही थी। मैंने बोला थैंक यू। अगला मैसेज करते माशाल्लाह, तो हम तीनों ने बोला कि वी वांट स्मोक आउटसाइड यू माइंड। मैंने बोला मुझे नहीं है प्रॉब्लम, मैं उनके साथ चल के बैठ। मास्टर शकीर था ना मेरी पिछली गली वाला दर्जी ना, उसने मेरे सारे कपड़े खराब किए थे, सब कितने खुले खुले गले बनाए थे, मैं पहन नहीं सकती थी, सारे पहनूंगी मैं यहाँ पे। देखो बेस्ट फ्रेंड को अपनी रिलेशनशिप्स की जो है वो तमाम बातें बताया करती थी, उसकी दोस्त ने क्या किया 6th-7th सेमेस्टर में अपनी दोस्त का पता साफ करके खुद सेट होगी लड़के के साथ। मैंने बोला ए पकड़ो मेरी जूती, मैं तैयार नहीं हूँ मैदान। मैंने बोला शुमाइला बट्टी कौन सा वो तुमसे लगा नामे की बर्दस्ता खास करा रहा है, हल्का फुल्का चला के देख लो, चल गया तो सो बिस्मिल्लाह, ना चला तो कल छुट्टी तेरी मेरी कुट्टी खुदा हाफिज। वो दिन उसके बाद से मैं जब भी अपना हाशमी का ताजल लगा के जाऊँ तो मुझे बोले माशाल्लाह यू आर एज सो प्रिटी, मैं जोड़ा पहन के जाऊँ तो बोले माशाल्लाह कलर सूट्स यू लैक्स, डाइवर्स सी भी हूँ ना जरा, अंग्रेजी उर्दू पंजाबी तीनों जुबानों के अंदर लाइनें मार भी सकती हूँ, कबूल भी कर सकती हूँ। इतनी मैं कोई तप्पी यानी कि कोई इतनी जलालत, इतनी बगैरत कच्ची बशरम हो गई हूँ मैं कि मैं आगे आई हूँ तो वह पीछे हट रहा है। कोई 1.5 हफ्ता हमारी लड़ाई चली, उसके बाद बात आके तो जरा सी ठंडी हुई तो मैंने उसको बोला कि अगर मैं तुम्हें बता भी देती तुमने क्या कर लेना था तो मेरे आगे बड़ा बॉय बन के मुझे कहते मैं उसकी टांगे तोड़ देता। मैंने उसको बोला कि तुम भला उसकी टांगे क्यों तोड़ते, तुम मेरे बाप लगते हो, तो मुझे आगे कहते कि मैं तुम्हारा मंगेतर लगता हूँ। हफ्ते बाद मुझे दोबारा इसका मैसेज आया शुमाइला ?" ये जो देर होता है ना ये बड़ा जुमानी किस्म का लफ्ज है। 8:30 बजे ना तो मैंने ना उसको गुड मॉर्निंग भेजा, साथ वो बंदर ने जो आंखों पे हाथ रखी थी बड़ी मुझे पसंद है, बहुत लाइक करती हूँ वाली, मैंने वाली स्माइली भी डाल के ना बड़ा प्यारा मैसेज भेजा। चलाक सी भी हूँ ना जरा, ऊपर से होके आती हूँ, क्या फायदा मगर मैंने लव मैरिज कर दी रहती हूँ, कोई लगता ही नहीं, अरेंज ही होगी पता है, मुझे तो लगता है मेरी आखिर में अब
लोग जरा डाल के तुझे आगे ना बड़ा से जरा बॉय बॉय बांध के तो मुझे कहते शुमाला मुझे नहीं अच्छा लगता कि तुमसे मेरे से रहती और बात कर लव सब जो है ना ये गुड गर्ल्स का बैड बॉयज की तरह से कुछ भी नहीं होता बकवास होती है सारी की सारी सिर्फ एक चैलेंज होता है इनके दिल में कि मैं औरत होने की मिसाल दूंगी उसको ठीक करके दिखाऊंगी दफा कराची की नहीं मगर पंजाब कॉलेज के अंदर दो सेमेस्टर मैंने भी लगाए हुए मैंने इच्छे रखी बड़ा के लड़के भुगताए हुए सारी गेमें जानती हूँ मैं आखिर में उस लड़के ने हार ना मानते हुए मुझे मैसेज किया कि शुमाला तुम्हें अल्लाह पूछेगा तुम बहुत जालिम हो तुमने एक मासूम लड़के के दिल के साथ खेला है बड़ी खुशी खुशी कहती हूँ अच्छा फिर तो तुमने मेरे वाला भी पी लो कि मेरे वाला सिगरेट में बहुत हार्ड होता है उसने मुझे दिया मुझे पीना पड़ा मैंने एक काश दिया मैं मर गई चाट किस्म के जैसे लोफर नहीं होते बिल्कुल वैसा वो लड़का था क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो अब तो तुम मेरी हो गई हो अब तो तुम हो ही मेरी पूरे लड़के की बेटी की मर्जी के खिलाफ जा रहे हैं उन्होंने यहाँ कर दी तो लड़की ना तुम्हें इंसान से मोहब्बत है ना उसकी शक्ल है ना उसकी अक्ल है तुम अपनी औकात देखो अपनी तुम शक्ल देखो अपनी तुम अक्ल देखो तुम क्यों सहन हो रही हो उसके साथ ऑलवेज बी एग्जिट विद द ग्रेस एंड द क्लास एंड द स्टाइल जैसे कोई डिश एंटीना था फ्री का भी कोई चैनल चलता ही ना था जुड़ ना दे वायर कहीं